हेलो एवरीवन, एनिमेशन एग्रीगेट के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बेसिक सा एक पैडल बोट मॉडल करने वाले हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने IKF के स्विचिंग के बारे में डिस्कस किया था, और वो भी हमने यूटिलिटी नोड्स के थ्रू IKF के स्विच किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, और आज हम मॉडलिंग सीरीज को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और एक पैडल बोट मॉडल करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्विकली मैं एक न्यू सीन क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल एंड न्यू सीन, डोंट सेव। यहाँ पे कुछ बेसिक रेफरेंस इमेजेस भी मैंने डाउनलोड करके रखे हुए, जिन्हें फॉलो करके हम पैडल बोट का मॉडल करने की कोशिश करेंगे। अब एग्जैक्ट हम इसे फॉलो नहीं करने वाले, लेकिन इसका जो बेसिक फॉर्म है उसे हमें यहाँ पे रेफर करना होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो ना, तो ये जो शेप है ये दो डिफरेंट पार्ट्स में बना हुआ है। ये जो शेप है ये सिंगल शेप से क्रिएट हुआ है। ओके, और यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं तो ये कम्प्लीटली वुडन प्लैंक्स जो है वो सारे के सारे सेपरेटेड है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का मॉडल, किस तरह का पैडल बोट क्रिएट कर रहे हैं। तो सिंगल प्लेन वाला हम क्रिएट करते हैं कुछ ऐसा, एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका जो बेसिक शेप है वो एक सिलेंड्रिकल शेप है। ओके, तो अगर मैं एक सिलेंडर यहाँ पे माया में क्रिएट कर लेता हूँ, ओके, एंड इसे हम रोटेट कर लेंगे पहले बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग जे, ताकि हमें 15 डिग्रीज के इंटरवल में रोटेशन मिले और हम एग्जैक्टली 90 डिग्रीज में इसको रोटेट कर लेंगे। एंड इसको मैं स्केल कर रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ। ओके, तो कुछ ऐसा हमने इसको स्केल कर लिया। एंड अब साइड व्यू में आ जाते हैं और यहाँ से इन फेसेस को डिलीट कर देंगे। ओके, और इससे पहले तो मैं ग्रिड के ऊपर कर लेता हूँ। ओके, एंड अब अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक शेप है। अब मुझे यहाँ पे कुछ डिविजन्स चाहिए, तो मैं क्विकली इस एजरिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक कर रहा हूँ, एजरिंग यूटिलिटीज एंड टू एजरिंग टू एंड स्प्लिट। यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन में आके मैं इसको क्विकली मल्टी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मल्टी में कन्वर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे मल्टीपल डिविजन्स मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 3 डिविजन्स मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और ऑब्वियसली अगर हम पैडल बोट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें ये जो सामने का पार्ट है इस पार्ट को नैरो करना होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं वर्टाइसेस में आ रहा हूँ, इन वर्टाइसेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इन वर्टाइसेस को मैं क्विकली नैरो कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मुझे इसे भी थोड़ा सा ऑब्वियसली उसे फॉलो कराना होगा, एंड इन्हें भी हम थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं इन साइड। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो बेसिक सा पैडल बोट का एक शेप जो होता है वो हमें मिल रहा है। एंड बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, एक्चुअली आसपास में काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसका साउंड है। ओके, सो थोड़ा सा उसके साथ आपको वीडियो देखना होगा आज का। ओके, एंड यहाँ पे हमने एक बेसिक सा शेप क्रिएट कर लिया, लेकिन ये जो शेप है ये अभी भी सिलेंड्रिकल शेप में दिख रहा है। और अगर हम पैडल बोट को देखते हैं तो पैडल बोट एक्चुअली ये इनसाइड कर्व है, राइट। तो हमें यहाँ पे वो ध्यान देना होगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो ये जो फेसेस है इन्हें मैं करेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड इन्हें सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं पहले तो। और ये जो वर्टाइसेस है इन वर्टाइसेस को मैं क्विकली मर्ज कर लेता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं दोनों वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके, एंड मर्ज वर्टाइसेस टू सेंटर हो देंगे। एंड इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं जी प्रेस कर रहा हूँ ऑन कीबोर्ड टू रिपीट द लास्ट कमांड। ओके, सो यहाँ पे हमने इन सारे वर्टाइसेस को प्रॉपरली मर्ज कर लिया है। मैं साइड व्यू में आ रहा हूँ और साइड व्यू में आके इस वर्टेक्स को पकड़ के मैं इनसाइड पुल कर लेता हूँ। ओके, अब ऑब्वियसली वो जो शेप है उस शेप को मैं क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, एंड इन सब को फिर से एक बार सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ। ओके, एंड अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक बेसिक सा पैडल बोट का शेप है। अब एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि ये जब हम सामने की तरफ से देख रहे हैं तो ये यहाँ से है ना ऊपर की तरफ टर्न हुआ है, तो हमें इसे थोड़ा सा एरोडायनामिक करना होगा। तो उसके लिए मैं वापस एक बार साइड में आ रहा हूँ एंड इसको सिलेक्ट करते हैं और इसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने इसे क्रिएट कर लिया है, एंड
ये जो बैक फेसेस है ना, इन फेसेस को मैं क्विकली सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन सभी फेसेस को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब आइदर हम मेश टूल्स में आ सकते हैं और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर मैं मार्किंग मेन्यू से शॉर्टकट यूज करता हूँ तो इन फेसेस को सिलेक्ट करके शिफ्ट राइट क्लिक करना होगा हमें, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास एक्सट्रैक्ट फेसेस का ऑप्शन है। ओके, तो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड ये जो एक्सट्रैक्ट हुआ है यहाँ से ज्योमेट्री, इसे हम सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले तो इसको सेंटर पिवोट कर लेंगे। ओके, ताकि इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में हमें प्रॉपरली पिवोट मिले एंड इसे थोड़ा सा बैक साइड मूव कर लेते हैं। इनवर्टाइसिस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इनवर्टाइसिस को है ना मैं थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा एंगल मिले यहाँ पे। ओके, सो ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी, अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो शेप है ये होल्ड नहीं हो रहा, तो हमें शेप को भी होल्ड करना होगा। तो उसके लिए अगर मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, एंड इस शेप एज को सिलेक्ट करके अगर हम बेवल कर देते तो यहाँ पे मैं फ्रैक्शन को रिड्यूस कर लूँगा एंड यहाँ पे हमारे पास अब एक बेवल है। लेकिन अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक वियर्ड सा पिंचिंग क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में हल्का सा। ओके, तो वो हमें सॉल्व करना होगा। तो मैं पहले तो लाइटिंग में आ रहा हूँ, 2-sided लाइटिंग ऑन कर लेते हैं और एजेस में आके यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एजेस है इन एजेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैश टूल्स में आ रहा हूँ और यहाँ से ना स्लाइड एज का टूल ऑप्शन दे रहा हूँ, मिडल माउस से ड्रैग करते हुए हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे गैप क्रिएट कर लिया मैंने। अब इस एज को भी मुझे सेम स्लाइड एज टूल यूज़ करना है एंड इसको भी थोड़ा सा मूव कर लेना है ताकि हमें यहाँ पे वो पिंचिंग ना मिले। ठीक है, अगर मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ तो आपको पता चलेगा अब कि वहाँ पे जो पिंचिंग था वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पे ना ये एग्जैक्टली होल्ड नहीं हो रहा है तो मुझे इस एज को सिलेक्ट करना होगा एंड इस एज को भी मुझे स्प्लिट कर देना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल राइट क्लिक कर रहा हूँ, एज रिंग यूटिलिटीज टू एज रिंग एंड स्प्लिट। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो शार्प कॉर्नर है एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वो जो पिंचिंग था वो अब नहीं हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने एक बेसिक सा शेप क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ पे ध्यान देना होगा कि ये जब यहाँ से इनसाइड पुश हो रहा है तो ये जो शेप है ना ये थोड़ा सा नैरो होते हुए जाएगा। ओके, ये इवन नहीं रहेगा ऐसा। तो उसके लिए अगर मैं वर्टाइसिस में आ रहा हूँ, ओके, 1 प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे और इन वर्टाइसिस को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, ओके, और इन्हें अगर स्केल कर लेते हैं, उससे पहले ना मैं थोड़ा सा इसका जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर लेता हूँ। मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, ओके, एंड इसे इधर करते हैं थोड़ा सा। ताकि वो थोड़ा फ्लो वहाँ पे मेंटेन हो सके। ओके, एंड अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड मुझे इन वर्टाइसिस को प्रॉपरली इनसाइड पुश करना है। तो मैं वर्टेक्स मोड में आऊँगा, इन वर्टाइसिस को सिलेक्ट कर लूँगा एंड इसे मैं स्केल कर रहा हूँ इनसाइड। ओके, इन्हें भी हमें स्केल करना होगा इनसाइड। सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी है, इन्हें भी हम इनसाइड स्केल कर लेंगे और ये भी वर्टाइसिस जो है इन्हें भी हम पुश कर देंगे अंदर। ओके, एंड अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मोड यहाँ पे इनसाइड पुश हो रहा है ज्योमेट्री, देखो। ओके, अगर आपको लग रहा है कि और थोड़ा सा करना चाहिए इसको पुश तो इनवर्टाइसिस को पकड़ के आप थोड़ा सा स्केल कर लो एंड इनवर्टाइसिस को भी हम पकड़ के थोड़ा सा इनसाइड स्केल कर सकते हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट अंडू, यहाँ पे गलत वर्टेक्स सिलेक्ट हो गया था। ओके, सो ऑब्जेक्ट मोड, अब यहाँ पे अगर हम देखते तो यहाँ पे हमारे पास वो थोड़ा जो शेप है वो मिल रहा है हमें। अब मैं वर्टेक्स में आ रहा हूँ और इन दोनों वर्टाइसिस को सिलेक्ट करके भी मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर लेता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट मोड, तो यहाँ पे हमने इस शेप को क्रिएट कर लिया। मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड पे एंड अब मुझे है ना यहाँ पे थिकनेस चाहिए ज्योमेट्री में, तो उसके लिए मैं इस ज्योमेट्री को सिलेक्ट करूँगा क्विकली एंड शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ से एक्सट्रूड कर लेंगे इसे। ओके, इसमें थोड़ा सा थिकनेस ऐड करेंगे एंड थिकनेस ऐड करने के बाद हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इस शेप को बेवल कर लेते हैं। ओके, तो इन एजेस को मुझे सिलेक्ट करना होगा
मेक श्योर कि आप सारी प्रॉपर एजेस सिलेक्ट कर रहे हैं। इसे भी मुझे सिलेक्ट करना है, इसे भी सिलेक्ट करना है, और इन इस कॉर्नर वाली एज को भी सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे देख लो सब कुछ करेक्ट है। हाँ, अगर मैं अब कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे तो यहाँ पे बेवल हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन में थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ एंड एक सेगमेंट इसमें ऐड करते हैं। ओके, थ्री प्रेस करते हैं। अब अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास वो जो बोट है उसका एक बेसिक सा शेप मिल रहा है। अब इस पे भी काम कर लेते हैं। इसे पहले तो एक्सट्रूड करना होगा, इसमें थिकनेस चाहिए, तो इसको एक्सट्रूड करते हैं। इसमें थोड़ा सा थिकनेस ऐड कर लेते हैं एंड इसका मैं थिकनेस ऐड करने के बाद है ना, यहाँ पे इस ज्योमेट्री को हम आइदर ऐसे ही रख सकते हैं, वैसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा अगर हम इसको ट्राइंगल्स में रखते हैं तो, या फिर हम इस ज्योमेट्री को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं अगर फेसेस सिलेक्ट करता हूँ, ओके, टैब प्रेस करके कर रहा हूँ ताकि मैं ड्रैग सिलेक्ट कर सकूँ इन सभी ट्राइंगुलर फेसेस को, और अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैश टूल्स में ना एक टूल होता है अपेंड पॉलीगॉन टूल, अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं इस एज पे क्लिक कर रहा हूँ एंड इस एज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो अभी मुझे यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है। तो कॉर्ड्स में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ टू रिपीट लास्ट कमांड, सेम वाई टू रिपीट लास्ट कमांड, वाई टू रिपीट लास्ट कमांड, वाई टू रिपीट लास्ट कमांड। इस एज को मैं सिलेक्ट कर लूँगा क्विक एंड इसे मैं कर दूँगा फिल ऑल। ओके, ऑब्जेक्ट मोड एंड यहाँ पे भी मैं फेसेस सिलेक्ट कर रहा हूँ टैब की प्रेस करके ताकि मैं ड्रैग सिलेक्ट कर सकूँ इन सभी एजेस को। इसको डिलीट कर देंगे एंड वापस एक बार मैं मेश टूल्स में आके अपेंड पॉलीगॉन क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करके सेकेंड एज पे क्लिक करेंगे, वाई प्रेस करेंगे टू रिपीट लास्ट टूल। ओके, अगेन क्लिक क्लिक वाई, ओके क्लिक क्लिक वाई एंड ये जो लास्ट सेक्शन है इस सेक्शन को मैं सिलेक्ट करके क्विकली फिल ऑल कर दूंगा। ओके, मैश फिल ऑल एंड अब ये जो ऊपर का है ना ये एक्चुअली कनेक्टेड नहीं रहा। ओके, तो इसको डिलीट कर देंगे और हमें इसको प्रॉपरली कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से इसको वापस एक बार फिल ऑल कर दूंगा। ओके, अब इसे बेवल कर लेते हैं क्विकली। ओके, बाकी केजेस तो एक्चुअली हमारी सारी की सारी सिलेक्टेड है, इसे भी सिलेक्ट करना होगा और इसे भी, क्योंकि नीचे में एक ट्रायंगल होने की वजह से ये कंप्लीट लूप सिलेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस कर देंगे ताकि ये बेवल हो जाए एंड इसमें एक सेगमेंट ऐड कर देंगे, और इसके फ्रैक्शन को अगर चाहिए तो हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, थ्री प्रेस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये शेप भी अवेलेबल है। अब सबसे पहले ना मैं वन प्रेस कर रहा हूँ और इसका जो पिवोटल पोजीशन है उसे नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ। डी प्रेस कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड पे एंड वी प्रेस कर रहा हूँ फॉर स्नैप टू द पॉइंट, और उसे मैं नीचे की तरफ स्नैप कर देता हूँ। ओके, अब साइड व्यू में आ जाएंगे क्विक, क्योंकि मुझे इसे रोटेट करना है और मुझे इसे बेस से रोटेट करना है। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर रोटेट कर लूँगा क्विकली और इसको मैं पोजिशन कर रहा हूँ। ओके, हाँ, सो यहाँ पे हमने इसको प्लेस कर लिया। मेक श्योर कि ये यहाँ पे गैप नहीं दे रहा है हमें। ओके ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे क्विक, तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सा कनो का शेप है। ओके, अब नेक्स्ट टास्क क्या है, मुझे यहाँ पे एक बॉटम से इसको प्लैंक देना होगा। ओके, जो सपोर्टेड रहेगा, इन सबको पकड़ के रखेगा। सो यहाँ पे मैं क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ क्विकली, इसको हम स्केल कर लेते हैं। ओके, साइड व्यू में आ जाते हैं एंड यहाँ से बहुत बड़ा शेप नहीं रहेगा वो। ओके, कुछ इतना एंड इसको मैं स्केल कर रहा हूँ। अब ये जो प्लैंक है ना, अगर आप इमेज में देखोगे तो इसमें तो नहीं है, सभी इमेजेस में यहाँ पे देखो ये जो वुडन प्लैंक यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ओके, ये जो सामने की तरफ आया, इसने एक्चुअली इस शेप को कम्प्लीटली होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको स्केल कर लूँगा। ओके, इसको थ्री प्रेस करते हैं। ओके, एंड यहाँ मैं अल्ट फाइव प्रेस कर रहा हूँ ताकि वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन हो सके एंड इसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब मैं फेसेस में आ रहा हूँ और इन फेसेस को सिलेक्ट करके क्विकली मैं एक्सट्रूड करना स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, एक्सट्रूड फेस,
ओके देन यहाँ पे मैं वापस फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला, एंड इसे हम एक्सट्रूड कर लेंगे। ओके अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमने इसे प्लेस कर लिया। मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ रहा हूँ एंड इन सभी एजेस को है ना सिलेक्ट कर लेंगे और इनको हमें बेवल करना है ओके ताकि हम इसको प्रॉपरली स्मूथ कर सकें। सो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके मैं ऊपर भी एजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड मुझे इन एजेस को भी सिलेक्ट करना है ओके। सो मैं कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ टू बेवल। इसका जो फ्रैक्शन है उसे हम क्विकली रिड्यूस कर देंगे एंड इसमें एक सेगमेंट ऐड कर देंगे ओके। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड यहाँ पे ना इंसर्ट एज लूप टूल लेके मैं एक एज लूप ऐड कर रहा हूँ ताकि ये जब मैं 3 प्रेस करूँ ना तो स्ट्रेच ना ऑब्जेक्ट मोड ओके। अब अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे ये शेप प्लेस कर लिया। अब स्मूथ में भी मुझे एक बार चेक कर लेना होगा ये प्रॉपर है या नहीं ओके फाइन। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो शेप है ना ये मुझे इसके ऊपर से रखेगा ताकि ये इस ऊपर से इस शेप को होल्ड कर सके ओके। सो फिर से एक बार मैं क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ, इसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, इसको स्केल कर लेंगे अप्रॉक्सीमेट साइज में एंड टॉप व्यू में आ जाएंगे। यहाँ पे आके इसे प्लेस कर देंगे ओके। इसको स्केल करते हैं क्विकली ओके एंड फेस में आ जाएंगे, इन फेसेस को हम एक्सट्रूड कर लेंगे। बैक साइड में इसको एक्सट्रूड कर लेंगे क्विकली। ओके सो ऑब्जेक्ट मोड एंड इसे है ना साइड व्यू से देख लेंगे हम पहले ये किस तरह से प्लेस हो रहा है। तो मैं 4 प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड और यहाँ पे मुझे इसे नीचे करना होगा ओके एंड वर्टाइसेस में आ जाएंगे क्विकली। और कहाँ पे मुझे इसको ऊपर या नीचे प्लेस करना है वो मैं देख लूँगा क्विक और इसकी जो पोजिशन है उसे करेक्ट कर लेंगे ओके। एंड इधर आते हैं आप, इसे थोड़ा सा ऊपर करना है ओके। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद मैं इस फेस को डिलीट कर रहा हूँ ओके। एंड इस फेस को भी एक्चुअली हमें डिलीट करना ही है तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ क्विकली। एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड इसको सिलेक्ट करके ना मुझे मिरर करना है इस तरफ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ क्विकली और यहाँ पर है ना मिरर का ऑप्शन आता है। अब हम इसे मेश में जाके भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ से मिरर के ऑप्शंस में आएंगे। अब मिरर मुझे करना है इसको पॉजिटिव जी डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पॉजिटिव जी डायरेक्शन है तो जी सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे मेक श्योर कि पॉजिटिव है ओके। इसको मिरर कर लो एंड ये मिरर हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कनेक्ट भी हो गए ओके। जैसे ही मैंने उसको मिरर किया एंड यहाँ पे भी ये प्रॉपरली कनेक्ट हो गया। बस मुझे इसको और इसको एक बार आइसोलेट कर लेना है एंड इस शेप को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है ओके। तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं बाहर की तरफ मूव कर लेता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इनसाइड ले लेता हूँ ओके। तो ये जो शेप है ये हमें प्रॉपर मिलेगा।
ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड अब मुझे इस शेप को भी बेवल करना होगा ताकि हम इसको होल्ड कर सकें। तो इसको क्विक इसके फोर कॉर्नर सिलेक्ट करेंगे, सारी एजेस सिलेक्ट करेंगे एंड ये कॉर्नर भी हमें सिलेक्ट करना होगा, इसे भी सिलेक्ट करना होगा। ओके एंड इन्हें हम कर देंगे बेवल बाय प्रेसिंग कंट्रोल बी ऑन कीबोर्ड। अंडू करते हैं एक बार, कुछ तो एरर आया हुआ है हमें, तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जा रहा हूँ एंड मैं थ्री प्रेस करता हूँ। वो एरर मुझे पता करना है कि क्या है। ये तो यहाँ पे तो सही लग रहा है देखने के लिए, तो गड़बड़ क्या हो गई है। ओके ये हुआ था लेकिन बहुत कम वैल्यू थी उसकी, तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ क्विकली और इन एजेस को ओके एक बार बेवल कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल बी एंड इसका जो फ्रैक्शन है उसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ थोड़ा सा और इसमें एक सेगमेंट दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड इन कॉर्नर्स को भी मुझे बेवल करना है तो इन्हें भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा। शिफ्ट डबल क्लिक करते हैं मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए, इसको भी कंट्रोल बी प्रेस करते इसका फ्रैक्शन रिड्यूस करना होगा हमें एंड इसमें भी हम एक सेगमेंट ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड यहाँ से मैं आइसोलेशन को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है एंड अगर मैं यहाँ पे थ्री प्रेस करता हूँ तो यहाँ हमारे पास वो सरफेस है। ओके 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 तो मैं टॉप व्यू में आ रहा हूँ एक बार और फोर प्रेस करते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा बाहर गया हुआ है यहाँ से एंड इधर मुझे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए था। देखो तो ये हमने शुरुआत में ध्यान नहीं रखा, तो यहाँ पे हम मैन्युअली कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं लग रही है, इतना ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। ओके फाइन ओके तो अब यहाँ पे हमने बेसिक सा एक शेप क्रिएट कर लिया, इस शेप को अब कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ पे मुझे प्लैंक लगाना है। तो मैं यहाँ क्विक उससे पहले ये कॉर्नर्स को करेक्ट कर लेता है। ओके मैं यहाँ पे क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ, इस क्यूब को मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ, इसको स्केल कर लेंगे। वर्टाइसेस सो यहाँ पे ये एक शेप मैंने प्लेस कर लिया, इसको थोड़ा सा इनसाइड भी रख सकते हैं लेकिन वर्टाइसेस एंड इसे बेवल कर लेते हैं। ओके कंट्रोल बी टू बेवल एंड इसमें एक सेगमेंट ऐड कर लेता हूँ। ओके सो इसे भी स्मूथ करके देखेंगे तो फाइन एंड सेम चीज़ हमें यहाँ पे कॉर्नर्स में भी करनी होगी लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक प्लैंक लगा लेता हूँ। ओके मैं यहाँ इसको स्केल कर लूँगा, इसे मूव करते हैं अप, इसे पीछे की तरफ मूव करेंगे इसे स्केल करते हैं। ओके अब इन फेसेस को हमें प्रॉपरली प्लेस करना है, तो मैं वर्टेक्स मोड में आ रहा हूँ एंड वर्टेक्स मोड में आके इसे मैं इनसाइड पुश कर देता हूँ एंड इसे भी इनसाइड पुश कर देता हूँ। ओके मेक श्योर कि ये इसके थ्रू नहीं जा रहा है। ओके सो ओके एंड
यहाँ पे भी। सेम ओके, तो यहाँ पे एक बेसिक सा प्लैंक हमने क्रिएट कर लिया है, ऑब्जेक्ट मोड में आता है एंड सेम मुझे यहाँ आगे भी लगाना है। तो मैं एक और क्यूब क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर इसे ही हम डुप्लीकेट कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी ऑन कीबोर्ड और इसे स्केल कर लेते हैं। पहले तो सेंटर वाला थोड़ा सा छोटा रहेगा ओके, एंड वर्टाइसेस में आ जाएंगे और इनको मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ पहले, एंड इसे भी स्ट्रेट कर लेते हैं एंड इसे मूव करते हैं बाहर की तरफ ओके, ताकि हम इसको पोजीशन कर सकें। ओके सेम चीज इधर से भी ओके, ऑब्जेक्ट मोड एंड इसे भी मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ एंड इसे फिर से आगे की तरफ प्लेस कर देंगे यहाँ पे ओके। वर्टाइसेस में आ जाएंगे क्विकली ऑब्जेक्ट मोड। तो यहाँ पे हमने तीन प्लैंक्स क्रिएट कर लिए एंड अब मुझे यहाँ नीचे की तरफ भी कुछ प्लैंक्स लगाने हैं। अगर हम इस इमेज में देखते हैं रेफरेंस इमेज में, तो यहाँ पे देखो हमें कुछ प्लैंक्स लगे हुए नीचे दिखाई दे रहे हैं क्लियरली ओके। तो वो सरफेस भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए मैं इसी प्लैंक को पकड़ के डुप्लीकेट कर लूँगा, कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट एंड इसे मैं नीचे की तरफ मूव कर रहा हूँ एंड नीचे मूव करने के बाद इसे मैं वापस एक बार कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ टू मूव एंड क्विकली हम इसको इस कंप्लीट बॉटम में प्लेस कर लेंगे ओके। सो यहाँ पे हमें इसको कुछ होल्डिंग के लिए नहीं देना होगा, ये एक्चुअली नीचे से कनेक्टेड होता है। सो यहाँ पे मैं वापस एक बार शिफ्ट डी कर रहा हूँ तो ये कंप्लीट यहाँ तक आ जाएगा और सेम मुझे इस डायरेक्शन में भी चाहिए, तो मैं वापस एक बार डुप्लीकेट कर रहा हूँ एंड इसे यहाँ पे रख लेंगे एंड इसे हम यहाँ पे प्लेस कर लेंगे ओके। तो अब अगर यहाँ देखते हैं तो हमारे पास ये बॉटम पीस है, अब हमें सिर्फ इसे इनसाइड में प्रॉपरली प्लेस करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ वर्टाइसेस और इन्हें इनसाइड प्लेस कर लूँगा ओके। अब यहाँ पे साइड इस साइड से भी हम इसको प्रॉपर प्लेस कर लेते हैं क्विकली।
ओके सो अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ पे ब्लैंक्स को प्लेस कर लिया। अब यहाँ पर है ना, हमें इनको पहले तो बेवल करना होगा। ओके इन सरफेसेस को, तो इसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल पी हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर, यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड कर देते हैं। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है। इसे भी बेवल कर लेंगे क्विकली एंड इसमें भी एक सेगमेंट ऐड कर देंगे एंड सेम मुझे इसे भी बेवल करना है, तो कंट्रोल बी प्रेस कर रहा हूँ मैं कीबोर्ड पे फॉर बेवल। या फिर आप यहाँ से शेल्फ से भी कर सकते हैं, या अगर हम यहाँ एडिट मेश में आते हैं तो यहाँ पे बेवल का ऑप्शन होता है। ओके एंड सेम हमें ये जो प्लैंक्स हैं इन प्लैंक्स को भी क्विकली बेवल कर लेना होगा। सो इन्हें सिलेक्ट करते एंड सबसे पहले तो मैं इनको कंबाइन कर लूँगा। सो मैश में आ जाएंगे, कंबाइन कर लेंगे ताकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट में रहे फिलहाल के लिए। ओके एंड इसे बेवल कर लेंगे और इसमें भी हम एक सेगमेंट ऐड कर देंगे ऑब्जेक्ट मोड। तो ये हमने सभी यहाँ पर बेवल कर लिए, ताकि अगर हम इनको स्मूथ भी करते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, अगर मैं अल्ट फाइव प्रेस करके वायर फ्रेम ऑन शेडेड बंद करता हूँ तो भी यहाँ पे हमें शार्प कॉर्नर्स नहीं मिल रहा है, सॉफ्ट ही मिल रहा है, और स्मूथ करने के बाद भी यहाँ पे कुछ बहुत ऐसा डिफरेंस नहीं आने वाला है, राइट। सो ये यहाँ पर हमने प्लैंक्स लगा लिए, लेकिन ये जो प्लैंक्स हमने यहाँ पे रखे ना, ये हवा में, यहाँ पे नीचे कुछ तो भी सपोर्ट चाहिए। आइदर यहाँ पे एल क्लैंप लगाया जाता है या फिर नीचे से सपोर्ट दिया जाता है, तो दो में से एक कुछ भी हम कर सकते हैं। ओके मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ और इसको मैं पहले प्लेस कर लेता हूँ। ओके बाहर अगर आया होगा तो वर्टेक्स में आ रहा हूँ मैं, और इसके जो वर्टाइसेस है उन्हें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे। ओके इस साइड से भी देख लेंगे, हाँ थोड़ा सा आया हुआ है। ओके ऑब्जेक्ट मोड एंड यहाँ पे क्यूब क्रिएट करते हैं एंड इस क्यूब को हम ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे। इसे हल्का सा बिल्कुल एक सपोर्ट देना है हमें, तो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ एंड इसे भी थोड़ा सा बाहर की तरफ स्केल कर लेंगे। इसे यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे एंड देखो ये जो ऊपर के वर्टाइसेस है ना, इन वर्टाइसेस को हमें एक्चुअली पकड़ के थोड़ा सा इधर करना होगा। ओके और ये जो फेस है, इस फेस को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बहुत बड़ा ना दिखे वो एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे एंड इसे थोड़ा नीचे कर लेंगे ताकि ये क्रॉस ना दिखे वहाँ पे। ओके और इसे इनसाइड कर लेंगे थोड़ा। ओके तो यहाँ पे हमने एक क्रिएट कर लिया। मैं इसको क्विक मिरर कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले इसे डुप्लीकेट करके पीछे की तरफ रख लेता हूँ। इसे इनसाइड लेना होगा हमें एंड ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे इसे, इसे छोटा ही रखेंगे हम। ओके एंड इसे चेक करना होगा हमें कि ये प्रॉपरली प्लेस हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, इस साइड से अगर हम देखते हैं तो ये बाहर ज़्यादा जा रहा है। ओके तो मैं इस वर्टेक्स को पकड़ रहा हूँ और इसे, वैसे ये दिखेगा नहीं। ओके लेकिन अगर दिखेगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम इसको प्रॉपर नहीं रखेंगे। ओके सो और इसको भी मुझे पुल करना होगा इधर, जब तक ये यहाँ टच नहीं हो जाता है। ओके एंड सेम चीज इसके साथ भी एंड ये जो वर्टाइसेस है, इन वर्टाइसेस को भी हमें पीछे की तरफ मूव करना होगा। ओके तो यहाँ पे ये शेप हमने एडजस्ट कर लिया एंड सेम चीज मैं इसको भी डुप्लीकेट कर रहा हूँ वापस एंड यहाँ रखेंगे। ओके अब इनको क्विकली हम मिरर कर लेंगे
सो उससे पहले इस इनको सिलेक्ट करेंगे एंड मेवन कर लेंगे। ओके, सिलेक्ट मैश पहले तो कंबाइन, एंड उसके बाद यहाँ पे इसको बेवल कर लेंगे। इसमें एक सेगमेंट ऐड कर देंगे। ओके, थोड़ा सा फ्रैक्शन में रिड्यूस कर रहा हूँ, एंड अब इनको सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ से मिरर कर देंगे। अब मिरर करने के लिए जो एक्सिस है वो एक्सिस हमें पता होना चाहिए, वो एक्चुअली हमारा पॉजिटिव जी एक्सिस है। ओके, सो इसको मिरर किया और यहाँ पर मैं पोजिशन चेक कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने एक बेसिक सा शेप मॉडल कर लिया। अब यहाँ पे है ना ऊपर मुझे एक जो पैडल होता है वो पैडल को सेट करने के लिए एक यहाँ पे ऐसा हिंज जैसा होता है। ओके, उसे हमें क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो क्यूब ले रहा हूँ। ओके, क्यूब को हम ऊपर मूव कर लेंगे, एंड ऊपर मूव करने के बाद इसको मैं स्केल कर रहा हूँ। ओके, और टॉप व्यू में आके इसको मैं पोजिशन कर लेता हूँ यहाँ। ओके, इसको स्केल करेंगे एंड रोटेट कर लेंगे थोड़ा सा। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है, इसको नीचे करना होगा हमें। ओके, कुछ ऐसा। ओके, और इसे है ना मैं थोड़ा सा और स्केल कर रहा हूँ। ओके, एंड इस फेस को सिलेक्ट करेंगे। इस फेस को सिलेक्ट करके हम एक बार इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। एंड इसे वापस एक बार मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ अप। ओके, और इसको ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे एंड इसको कर देंगे बेवल। एंड इसमें एक सेगमेंट ऐड कर देंगे ऑब्जेक्ट मोड। ओके, सो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। एंड इसके ऊपर मुझे एक शेप अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से सिलेंडर क्रिएट कर रहा हूँ। सिलेंडर को मूव करेंगे, रोटेट कर लेंगे क्विकली बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग जे। एंड ये जो फेसेस है ना इसके हमें सिर्फ ये रिंग चाहिए, तो यहाँ से मैं फेस में आ रहा हूँ। ये हाफ फेसेस मैं इसके डिलीट कर देता हूँ पहले, एंड ये जो साइड के फेसेस है टैब की प्रेस करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ड्रैग सिलेक्ट। ओके, और इन्हें भी हम डिलीट कर देंगे। ओके, डिलीट ऑब्जेक्ट मोड। अब एज में आ जाएंगे और इस इन दो एजेस को एक्सट्रूड कर लेंगे अप। ओके, एंड थोड़ा सा एक और एक्सट्रूजन लेंगे, इसे भी एक्सट्रूड करेंगे एंड इसे थोड़ा सा स्केल कर लेंगे आउट कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ पे देखो ये बहुत लंबा पॉलीगॉन हो गया, तो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ एक बार ऑब्जेक्ट मोड। एंड अब इसमें थिकनेस देनी है, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ क्विक थिकनेस में, एंड ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। इसकी एजेस को सिलेक्ट करेंगे, पहले इसको बेवल कर लेंगे। एंड इसमें एक सेगमेंट ऐड कर देंगे ऑब्जेक्ट मोड एंड इसको स्केल करेंगे। ओके, इसको रोटेट करते हैं, टॉप व्यू में आते हैं एंड इसे मुझे प्लेस करना है यहाँ पे इसके ऊपर। ओके, सो इसे नीचे की तरफ मूव करते हैं एंड इसे थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे ऐसा। ओके, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा इनसाइड चले गया, तो इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ एंड यहाँ एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट करते हैं, स्केल कर लेंगे। टॉप व्यू में आके एक्चुअली उसको होल्ड करने के लिए हमें एक बोल्ट चाहिए ना वहाँ पे, तो उसके लिए मैंने एक्चुअली सिलेंडर क्रिएट किया एंड यहाँ पे आके इसको स्केल करेंगे। ओके, और इसको
जो डिविजन्स है उन डिविजन्स को मैं क्विकली चेंज कर देता हूँ यहाँ से 8 डिविजन्स में, एंड उसे नीचे की तरफ प्लेस कर देंगे। उससे पहले मैं एज में आ रहा हूँ, इस एज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी टू बेवल, फ्रैक्शन को रिड्यूस करो, एक सेगमेंट ऐड करो, एंड फेसेस में ना बॉटम फेसेस का हमें कोई काम नहीं है तो उन्हें सिलेक्ट करके मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे एंड इसे हम पुश कर देंगे नीचे। ओके, एंड अब इन सबको, इसको थ्री प्रेस करते हैं, इसको भी थ्री प्रेस करेंगे एंड इन सबको सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं कर देता हूँ मैश कंबाइन। ओके, और इसे मुझे मिरर करना है इस तरफ, तो मैं शिफ्ट राइट क्लिक कर रहा हूँ अगेन एंड मिरर। ओके, सो यहाँ पे हमने इसे क्रिएट कर लिया। इसमें एक्चुअली वो जो पैडल होता है वो लॉक होता है उसे रोटेट करने के लिए पानी में। एंड अब एक और चीज़ हमारी बची हुई है मॉडल करने की, वो है पैडल। सो सिंपल है, एक क्यूब अगर हम क्रिएट करते हैं उसे अगर मैं ऊपर मूव कर लूँ, इसे स्केल कर लेंगे पहले। ओके, एंड अगेन इसको स्केल करते हैं कुछ ऐसा। ओके, और यहाँ पे है ना मैं कुछ डिविजन्स दे रहा हूँ, एज को सिलेक्ट करते हैं, एज रिंग यूटिलिटीज और मल्टी कर देंगे इसको हम, एंड वर्टेक्स में आके मल्टी में एक डिवीजन और इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, वर्टाइसेस में आके इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट करेंगे, इनको पीछे की तरफ मूव कर देंगे, एक एक्स्ट्रा सिलेक्ट हुआ है सो इसे डीसिलेक्ट करेंगे एंड इसे पीछे मूव कर देंगे, एंड ये जो वर्टेक्स है इसे मैं ऊपर की तरफ मूव कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ और इन्हें थोड़ा सा इनसाइड स्केल कर लेता हूँ कुछ ऐसा। ओके, और इसे हमें बेवल भी करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इन फेसेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये चारों फेसेस। ओके, इन्हें डिलीट कर देते हैं, एज में आ जाएंगे क्विक, एज में आके इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट मैश में आएंगे, इसको सर्कुलराइज कर लेंगे। ओके, इसका जो साइज़ है उसे मैं कम कर रहा हूँ, इसका जो ट्विस्ट है ट्विस्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसका साइज़ हम सिर्फ कम कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे है ना इसको थोड़ा सा स्केल भी करना होगा हमें, तो ये जो वर्टाइसेस है इन वर्टाइसेस को थोड़ा सा मैं स्केल कर रहा हूँ इन, एंड ऊपर से भी पुश कर सकते हैं अगर चाहिए तो हल्का। ओके, एंड एक एज में यहाँ बीच में ऐड कर रहा हूँ, एज रिंग यूटिलिटीज एंड स्प्लिट, इसे हम स्केल कर लेंगे एंड इसको बाहर की तरफ स्केल करेंगे थोड़ा। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। ओके, इसको भी मैं स्केल करके स्ट्रेट कर रहा हूँ पहले, एंड इसे मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर रहा हूँ, एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे, इस एज को भी मैं थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ, तो वो जो शेप है ना पैडल का वो हमें मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान में रखनी होगी कि ये जो पार्ट होता है, ये जो साइड होता है, ये थोड़ा सा है ना इनर स्केल होता है। ओके, मतलब यहाँ से थोड़ा पतला होता है, तो ये भी ध्यान में रखना होगा, तो इसको हमें पतला करना होगा। और यहाँ पे हमने एक बेसिक सा पैडल का शेप क्रिएट कर लिया, अब मुझे सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ आउट, देखो। ओके, ये हो गया एक्सट्रूड आउट। अब यहाँ पे इसको मैं वापस एक बार एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ओके, एंड फिर से एक्सट्रूड करेंगे स्केल में, एंड एक्सट्रूड आउट एंड एक्सट्रूड इन। ओके, और वर्टाइसेस में आ जाएंगे, इन वर्टाइसेस को मैं मूव कर रहा हूँ थोड़ा सा बाहर, ऑब्जेक्ट मोड, ये जो शेप है इसको मैं एडिट मैश में आके फिल आउट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल लेंगे क्विकली, यहाँ पे इसको हम फिल भी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ फिलहाल। ओके, एंड एजेस में आ जाएंगे, इन एजेस को सिलेक्ट करेंगे और इनको बेवल कर देंगे। ओके, अब एक सेगमेंट, सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी करनी है, इसको हमें होल्ड करना होगा, तो मैं यहाँ से इंसर्ट एज लूप टूल ले रहा हूँ एंड इसको भी मैं क्विकली होल्ड कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक एज दे रहा हूँ ताकि ये स्ट्रेच ना हो जब हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे।
एंड सेम चीज़ मुझे इसको भी बेवल करना है, लेकिन मुझे यहाँ तक कंप्लीट बेवल नहीं करना है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिलेक्ट करूँगा। ओके एंड इसको कंट्रोल भी कर देता है। ओके एंड ये जो वर्टाइसेस यहाँ पे देखो पिंच हो रहे हैं, इन सबको सिलेक्ट करेंगे एंड मर्ज वर्टाइसेस कर देंगे। ओके सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। ओके अब यहाँ पे अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो ये हमारा पैडल का शेप है। ओके अब इसे स्क्वायर में भी कर सकते हैं हल्का, या फिर कुछ ऐसा भी पैडल हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा स्केल कर रहा हूँ एंड इसे नीचे मूव करते हैं। ओके अब यहाँ पे बैलेंस हमें करना होगा इसको, राइट? तो अगर बैलेंस करना है तो इसे कुछ ऐसा रखना होगा इधर एंड ऐसा। ओके नहीं तो वो पीछे की तरफ जाएगा और फिर वो नीचे गिर जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो नीचे गिरे, तो मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे एंड एक और डुप्लीकेट करेंगे, इसको मूव करेंगे इधर, इसको मूव करेंगे थोड़ा सा इस साइड में एंड इसे रोटेट कर लेंगे क्विकली। ओके यस डन। ठीक है तो यहाँ पे अगर हम देखते तो ये नीचे जा रहा है, तो इसे सेट कर लेता है क्विकली और थोड़ा सा इधर भी कर लेता हूँ मैं इसे। ओके तो यहाँ पे एक बेसिक सा हमने अगर देखते हैं तो कनु मॉडल कर लिया है। ओके सो ज़्यादा हार्ड नहीं है अगर हम बेसिक शेप्स को फॉलो करते हैं, और अगर हमें मॉडलिंग के बेसिक्स पता है तो इजीली हम इसको मॉडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखते हैं ना, तो एक चीज़ बची हुई है जो मैं क्विकली ऐड कर देता हूँ, ये जो कॉर्नर्स है ना, इन कॉर्नर्स पे इसको मैं स्केल कर लेता हूँ, इसको मूव करते हैं इधर। ओके एंड इसको मैं क्विकली आइसोलेट कर रहा हूँ। आइसोलेट करने की वजह अगर हम इसको ट्रायंगुलेट कर लेते ना तो भी हो जाएगा, और ट्रायंगुलेट करके फिर फेसेस, लेकिन चलो यहाँ से मल्टी कट टूल ले रहा हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। ओके एंड इसको इधर कनेक्ट कर देंगे। ओके सो ये जो फेसेस है, ये फेसेस हमारे पास अब एक्स्ट्रा हो गए, इन फेसेस को हम कर देंगे डिलीट। ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे और इसको मैं फिल आउट कर लेता हूँ, हिट मैश एंड फिल आउट। ओके इसको बेवल कर लेंगे कंट्रोल बी एंड एक सेगमेंट इसमें मैं ऐड कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड अगर 3 प्रेस करते हैं हम तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके एंड ये इसका पोजीशन जो है ये नीचे रहेगा इसके। ओके और क्विक इसको मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके मिरर कर लेता हूँ। ओके सो ये एक शेप हमारा बच गया था वहाँ पे कॉर्नर का। तो अब अगर हम देखते हैं तो एक बेसिक सा कनू हमने यहाँ पे मॉडल कर लिया है, हार्ड नहीं है ज़्यादा, बेसिक शेप मॉडलिंग में अगर हम देखते हैं तो आसानी से हम इसे मॉडल कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एनिमेशन एग्रीगेट को। और अगर कोई स्पेशलाइजेशन क्लासेस चाहता है लाइटिंग रिगिंग या मॉडलिंग के, तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी मॉडलिंग।